ये अक्सर कहा जाता है कि अपने मोबाइल को पास में रखकर नहीं सोना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और ऐसा ही एक वाकया सामने आया है थाईलैंड का, जहां पर रहने वाले 18 साल के युवक की मौत करंट लगने से हो गई है। ये युवक चेयाफूम के नोंग बुआ डेंग डिस्ट्रिक्ट में रहता था। इस युवक का नाम सूठी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सूठी का मोबाइल उसकी बॉडी से दबा हुआ था और फ़ोन चार्जिंग पॉइंट से लगा हुआ था, जिस कारण नींद में ही उसे करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह जब उसके अंकल उसे उठाने गए तो वो चिल्लाते हुए बाहर निकले। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। युवक का चेहरा पीला था और उसके हाथ चार्जिंग पॉइंट के ऊपर थे। युवक के अंकल ने बताया कि उन्हें युवक के चीखने की आवाज़ आई थी, लेकिन उन्हें लगा कि सूठी हमेशा की तरह गेम खेल रहा होगा, लेकिन सुबह उसकी बॉडी मिली। थाईलैंड पुलिस ने इस बात की सूचना सोशल मीडिया के जरिए, फ़ोटोज़ के जरिए अपलोड की है। उन्होंने अन्य लोगों से इस घटना से सबक लेने की अपील की है। पुलिस अफसर पॉल मंज फफंगम ने पेरेंट्स से अपील की है कि वह अपने बच्चों से मोबाइल से होने वाले खतरों के बारे में डिस्कस करें, ताकि बच्चे इस बात को सीरियसली लें और मोबाइल को अपने पास रख कर ना सोएं, या चार्जिंग पर फ़ोन लगा कर अपने पास रख कर ना सोएं। और इस पोस्ट को अभी तक हज़ारों लोगों ने शेयर कर दिया है, ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस लाई जा सके कि मोबाइल का उपयोग उनके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।